हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके के टॉप 52 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वे रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी का, या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम, आज मैं आपको वो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए कवर कराऊंगा, जो कि बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, रेफ्रिजरेटर में एक गैस पाई जाती है, उसका नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, रेफ्रिजरेटर में जो गैस पाई जाती है उसका नाम है CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। ब्रेक लगाने पर कार रुक जाती है, उसमें कौन सा बल कार्य करता है? राइट आंसर है घर्षण बल। ठीक है, ब्रेक लगाने पर जब कार रुकती है तो उसमें घर्षण बल कार्य करता है। काकोरी कांड हुआ था, तो काकोरी कांड इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट 9 अगस्त 1925 को हुआ था काकोरी कांड। टैक्सनोमी, टैक्सनोमी संबंधित है, तो टैक्सनोमी वर्गीकरण से संबंधित है, किससे? वर्गीकरण से। मनुस्मृति किस भाषा में लिखित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मनुस्मृति ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। मुगल साम्राज्य के तीसरे राजा यानी कि शासक कौन थे? तो मुगल साम्राज्य के तीसरे शासक थे अकबर। समुद्र जल के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं डिसेलिनेशन। ठीक है, डिसेलिनेशन ऐसा कह सकते हैं, डिसेलिनेशन समुद्री जल के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है ये। महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किस वर्ष किया गया? तो गीता का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ 1785 में। ठीक है, कब हुआ? 1785 ईस्वी में। सीटी स्कैन में सीटी का विस्तार क्या है, यानी कि सीटी का फुल फॉर्म पूछ रहा है? तो इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटराइज टोमोग्राफी। प्लास्टिक बना होता है, तो ऑर्गेनिक पॉलीमर का बना होता है प्लास्टिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लास में प्रयुक्त एक पदार्थ है, तो सिलिका का प्रयोग किया जाता है ग्लास में। एमआरआई का विस्तार क्या है? तो एमआरआई का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, एमआरआई का, तो इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं उनकी राजधानियां अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका। मक्का कहाँ स्थित है? तो मक्का सऊदी अरब में स्थित है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम है वेलेंटिना तेरेस्कोवा। ठीक है, क्या नाम है? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। ग्रीन ट्रिब्यूनल संबंधित है, तो ये पर्यावरण से संबंधित मामलों को सुलझाने के लिए विख्यात है। क्या नाम है इसका? ग्रीन ट्रिब्यूनल। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? आप ऐसा भी कह सकते हैं कि काली मिट्टी का एक अन्य नाम बताइए, तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। भोपाल गैस कांड में उत्सर्जित गैस कौन सी थी? तो भोपाल गैस कांड में दोस्तों जो गैस फैली थी उसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसको शॉर्ट में मिक गैस भी कहते हैं। ठीक है, राज तरंगणी किस राज्य से संबंधित है? तो राज तरंगणी में कश्मीर का इतिहास बतलाया गया है। जब कोई वस्तु पानी में डूबती है तो ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं उत्प्लावन बल। ठीक है, क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल। किस राज्य की त्रूर सुपारी को GI टैग दिया गया? सही आंसर है केरल, केरल की है ये। कंप्यूटर का तांत्रिक केंद्र होता है, तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, ये होता है कंप्यूटर का तांत्रिक केंद्र। भारत में प्रथम सोलर पावर एयरपोर्ट स्थापित किया गया, तो ये किया गया कोची में। TRP का अर्थ क्या है? तो TRP का फुल फॉर्म होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। प्रथम चीनी महिला जो अंतरिक्ष में गई थी, तो प्रथम चीनी महिला जो अंतरिक्ष में गई उनका नाम है लियू यंग। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको। डायनामाइट के आविष्कारक हैं अल्फ्रेड नोविल। भारत की गुलाबी नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत की गुलाबी नगरी जयपुर को कहते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल से संबंधित हैं? तो फुटबॉल के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सूखा बर्फ का क्या अर्थ है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही सूखा बर्फ के नाम से जाना जाता है।
एड्स दिवस कब मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट डे है ये, एड्स दिवस। तो 1 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष एड्स दिवस मनाया जाता है। नई दिल्ली का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो नई दिल्ली का डिज़ाइन तैयार किया था एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर ने। किस स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है? तो दिल्ली के फिरोशा कोटला क्रिकेट स्टेडियम है, याद रखेगा, मार्क करना इंपॉर्टेंट है। इसी का नाम अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई 1761 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट डेट है, एग्जाम में कई बार ये रिपीट हुई है। चौक का रासायनिक नाम क्या है? तो चौक का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय शटलर कौन है? तो इनका नाम है पीवी सिंधु। इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना, ठीक है। विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय शटलर है पीवी सिंधु। स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल बजट किसने पेश किया? तो जॉन मथाई ने स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल बजट पेश किया था। क्रिकेट बैट बना होता है? तो क्रिकेट बैट बिलो बिलो लकड़ी से बनता है। वीडियो गेम के पिता किसे कहा जाता है? तो वीडियो गेम का पिता कहा जाता है राल्फ बेयर को। फेसबुक शुरू हुआ था? तो सन 2004 में फेसबुक की शुरुआत हुई थी। अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कोची को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। भारत का प्रथम रक्षा उपग्रह है? तो भारत का प्रथम रक्षा उपग्रह का नाम है GSAT-7। स्टेनलेस स्टील के आविष्कारक कौन है? तो स्टेनलेस स्टील के आविष्कारक हैं हैरी ब्रियरले। नोबेल पुरस्कार म्यूजियम स्थित है? तो नोबेल पुरस्कार म्यूजियम स्वीडन में स्थित है। कहाँ पर? स्वीडन में। एटीएम का विस्तार क्या है, यानी कि एटीएम का फुल फॉर्म? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है इसका फुल फॉर्म। राजा भोज किस राजवंश से संबंधित हैं? तो परमार राजवंश से संबंधित हैं ये। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। तो O3 ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है। पौधों की पत्तियों से बाष्पीकरण कहलाता है, तो इसको कहते हैं बाष्पो उत्सर्जन, ठीक है। पौधों की पत्तियों से बाष्पीकरण की क्रिया को कहते हैं बाष्पो उत्सर्जन। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु की संज्ञा किसने दी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि किसने दी? तो ये दी थी महात्मा गांधी जी ने। लाल चींटी में कौन सा अम्ल निकलता है? तो लाल चींटी में होता है फॉर्मिक अम्ल, यानी कि जब ये काटती है तब फॉर्मिक अम्ल निकालती है। किस लोकसभा के दौरान तेलंगाना राज्य बना था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 15वीं लोकसभा थी दोस्तों जब तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था।